स्त्री टू देखने के बाद जहन में बस एक ही सवाल बार बार दोहरा रहा था कि अगले पार्ट में हमें अक्षय शाह नजर आने वाले हैं सिरकटे के रूप में, या फिर स्टार्टिंग में जो सिरकटे को रिलीज होने का सीन दिखाया गया था क्या उन्हीं का प्लान था स्टार्टिंग से ही? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि कॉमेडी एक ऐसा जोन है जिसको नॉर्मली पुल अप कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि डेडपूल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जोक्स भी काफी ज्यादा फनी थे, थिएटर में हर कोई हंस रहा था, मगर कुछ जोक्स सही से लैंड नहीं किए थे, शायद इसीलिए कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा। स्त्री टू एक हॉरर कॉमेडी जॉनर वाला मूवी है, जिस वे में रिप्रेजेंट किया गया है वो काबिले तारीफ है। बोलते ना हर एक पहलू का दो सिक्का होता है, कुछ उसी तरह हर एक सीन का दो इमोशन देखने को मिलता है हमें। एक पल में आप हंस रहे हो तो दूसरी पल में इंटेंस मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। किल स्त्री टू जैसे मूवी देखने के बाद एक बात तो जरूर बोलना चाहूंगा, इंडियन सिनेमा का रुख बदल रहा है अभी। अभी वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाएगा। स्त्री टू का डायलॉग, VFX, स्टोरी प्लॉट, एक्टर्स का टाइमिंग, हर चीज 10/10 देने वाला हूं मैं। अब चलिए बात करते हैं एक्टर्स के ऊपर। पंकज सर को, अभिषेक सर को कोई भी रोल पकड़ा दो, भले इस तरह निभाते हैं ना किरदार को कि ऐसा फील करवाते हैं ऑडियंस को कि इन्हीं के लिए लिखा गया था ये किरदार। वरुण धवन का केमियो देखने को मिलता है हमें। स्टोरी प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मगर VFX और थोड़ा बेहतर बन सकता था अगर हम कंपेयर करेंगे भेड़िया के साथ। तमन्ना जी, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कमीना है। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही, सॉरी फिर से हमेशा की तरह लेट हो गए हम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। साइन ऑफ।